हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 91st एपिसोड ऑफ माय चैनल लाइफस्टाइल एंड आईक्यू। दोस्तों, पिछली वीडियो और इस वीडियो के पार्ट वन में हमने बात की थी कि कैसे आप अपने गुड लाइफस्टाइल, अपनी रूटीन और कुछ खाने पीने की चीजों का खास ध्यान रख के अपनी बढ़ती हुई उम्र को स्लो डाउन या इवन रिवर्स तक कर सकते हैं। अच्छी स्किन और एंटी एजिंग टिप्स के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो के पार्ट वन को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आज पार्ट टू में हम जानेंगे आखिर कौन से हैं वो टिप्स जिससे आप खुद को प्रीमैच्योर एजिंग से बचाकर एक अच्छी रिंकल फ्री, फ्रेश और ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं। नंबर 4 इन द लिस्ट इज हैविंग प्रॉपर एंड रूटीन सन प्रोटेक्शन। हमारी स्किन की सबसे ऊपरी लेयर में मेलानिन नाम का पिगमेंट मौजूद होता है, जो आपकी स्किन को उसका कलर देता है। हालांकि ये हमें सूरज की हानिकारक यूवी या अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करके रखता है, लेकिन फिर भी यूवी रेज का ज्यादा एक्सपोजर इस कवच को भेद कर रिंकल्स, सेल डैमेज और सनबर्न तक कर सकता है। यूवी रेज आपकी स्किन में पेनिट्रेट करके इसके इलास्टिक फाइबर को डैमेज कर देती है और आपकी स्किन अपनी फर्मनेस और स्मूथनेस खोकर रिंकल्स और फाइन लाइंस बनाने लगती है। ये डैमेज कितना और किस हद तक होता है, ये डिपेंड करता है आपके स्किन कलर, जेनेटिक्स और कितनी देर तक या किस टाइम पे आप सन एक्सपोजर में रहते हैं। सनस्क्रीन ना ही आपको सन की हार्मफुल यूवी रेज से बचाती है, बल्कि ये स्किन का मॉइस्चर रिटेन करके इसे हाइड्रेटेड भी रखती है। सनस्क्रीन का प्रोटेक्शन आपको हार्श एनवायरनमेंट कंडीशन और पोल्यूशन से भी बचाता है, इसलिए चाहे सर्दी हो या गर्मी, धूप हो या बारिश, आपको हर मौसम और हर वेदर में सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली सनस्क्रीन विद मिनिमम SPF ऑफ 30 ही यूज करनी चाहिए। इस तरह की सनस्क्रीन UVA और UVB दोनों तरह की सनलाइट से आपका बचाव करती है। SPF 30 का मतलब ये है कि इस रेटिंग की सनस्क्रीन आपकी त्वचा तक सिर्फ 3% यूवी रेज ही पहुंचने देती है और बाकी की 97% हार्मफुल यूवी रेज से ये आपको बचा के रखती है। कोशिश करें धूप में निकलने से पहले सनग्लासेस और हैट पहन कर निकलें, साथ ही पॉसिबल हो तो खुद को पी कार्स में सन एक्सपोजर से बचा कर रखें। नंबर 5 पे है दैट यू शुड गो फॉर सप्लीमेंटेशन। विटामिन ए एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है हमारी स्किन, आईज, हेल्थ और इम्यून फंक्शन के लिए। अगर आपके शरीर में ये मौजूद नहीं है तो आपकी स्किन ड्राई, इची और इन्फ्लेटेड बनी रहेगी। आप विटामिन ए या रेटिनॉल को कुछ फूड प्रोडक्ट्स, ओरल सप्लीमेंटेशन या डायरेक्टली सीरम के रूप में अप्लाई कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स में नेक्स्ट आता है विटामिन सी। ये विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करके हमारे रिंकल्स और डार्क स्पॉट को कम करता है, साथ ही स्किन को फ्रेश और हाइड्रेटेड बना के रखता है। इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज आपको यूवी रेज से भी बचाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सनस्क्रीन से इसे रिप्लेस कर सकते हैं। स्टडीज में ये पाया गया है कि आपके सनस्क्रीन लगाने के बावजूद कुछ हद तक यूवी रेज आपकी स्किन तक पहुंच सकती हैं, लेकिन विटामिन सी आपको उससे बचा के रखता है। विटामिन्स के साथ आप ओमेगा 3 का इंटेक बढ़ा दें, जिसे आप फिश ऑयल या फ्लैक्स सीड सप्लीमेंटेशन की फॉर्म में ले सकते हैं। ये आपके स्किन की ऑयल प्रोडक्शन को रेगुलेट और हाइड्रेशन को बैलेंस रखता है, एंड इट इवन रिड्यूसेस चांसेस ऑफ हैविंग स्किन कैंसर। जैसे कि मैंने बताया कि एज के साथ साथ कोलेजन नामक प्रोटीन हमारे शरीर में कम होने लगता है, जिसके कारण झुर्रियां, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, साथ ही हाइड्रेशन और स्किन सैगिंग जैसी दिक्कतें दिखने लगती है। कोलेजन की भरपाई और अपनी यंग लुक को रिटेन करने के लिए आप कोलेजन सप्लीमेंट्स पाउडर, लिक्विड या कैप्सूल की फॉर्म में ले सकते हैं। दीज कोलेजन सप्लीमेंट्स आर सोर्स्ड मेनली फ्रॉम एनिमल बोन्स, चिकन एंड फिश, सो इट मे नॉट बी वायबल फॉर वेजिटेरियंस। विटामिन ई की बात करें तो ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी स्किन को नरिश करके इसे प्रोटेक्ट करता है और फ्री रेडिकल एंड इवन यूवी रेज से हुए डैमेज से भी आपको बचाता है। आप इसकी 2 ड्रॉप्स को नारियल तेल की 10 ड्रॉप्स में मिक्स करके जेंटली अपने फेस पे मसाज कर सकते हैं।
Tip number 6 is you need to include certain foods and fruits in order to take care of your skin. Walnut ya akhrot ek behtareen source hai essential fatty acid ka jo aapka sharir khud se nahi bana sakta aur ye aapko bahar se food ya supplement ki form mein lene padte hain. Akhrot baki kisi nut aur seeds se kahin zyada omega 3 aur omega 6 mein rich hai which is must have for your skin. आप एवोकेडो के सेवन से मिले हेल्दी फैट से अपने स्किन के लिए काफी बेनिफिट उठा सकते हैं। हेल्दी फैट्स का सेवन आपकी स्किन में इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और नरिशमेंट भी बना के रखता है। वहीं फैटी फिश इज एक्सलेंट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 एंड हेल्प्स योर स्किन टू बी थिक एंड स्मूथ। इसका सेवन आपकी स्किन में ड्राइनेस और इचीनेस होने से भी बचाता है। इसके साथ ही रेड कैरेट या गाजर बहुत ही रिच है विटामिन ए में जो आपको सनबर्न, सेल डैमेज और रिंकल से महफूज रखता है। साथ ही ये एक हेल्दी, ग्लोई और वार्म लुक भी देता है आपकी स्किन को। आपका शरीर रेड कैरेट में मौजूद बीटा कैरेटिन को विटामिन ए में कन्वर्ट करके इसे स्किन प्रोटेक्शन के काम में लाता है। टिप नंबर 7 एंड बोनस टिप दैट नीड्स टू बी टेकन केयर इन योर लाइफस्टाइल इज कट बैक ऑन इनटेक ऑफ योर शुगर्स एंड कार्ब। जब आप बहुत हाई शुगरी और हाई कार्ब्स रिच फूड कंज्यूम करते हैं तो इससे आपके शरीर में एकदम से इंसुलिन का रिलीज बढ़ जाता है जिससे आपकी बॉडी और स्किन इन्फ्लेटेड और चेहरा ब्लोटेड दिखने लगता है। ऐसा करने से आपके शरीर में कोलेजन और इलास्टिसिटी भी धीरे धीरे लूज होने लगती है। हाई शुगरी और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड आपकी स्किन में ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं अल्टीमेटली विच कैन लीड टू प्रॉब्लम्स लाइक ऑयलीनेस, एक्ने एंड क्लॉक पोर्स। अपना हाइड्रेशन अच्छा रखें क्योंकि लिक्विड का इंटेक ही आपकी स्किन को रिफ्रेश रखेगा एंड इफ यू हैव प्लेंटी ऑफ वाटर इट रिड्यूसेस चांसेस ऑफ रिंकल एंड फाइन लाइंस। एडिशनली डू नॉट यूज टू मेनी प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग रेगुलर स्किन केयर रूटीन सिंस ओनली फेस वॉश, क्लींजर, मॉइस्चराइजर एंड रेटिनल्स आर गुड इनफ फॉर रूटीन केयर। अपनी नींद अच्छी रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें और सॉल्ट का इंटेक भी कम कीजिए। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे मेरी नई अपलोडेड वीडियो के बारे में जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ बेल का आइकन। तो जैसे ही दबाएंगे आप बेल का आइकन आपको आएगा अलर्ट मेरी हर नई वीडियो का। तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।